पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद रविवार सुबह से ही थार नगरी शीतलहर की आगोश में समा गई। जहां देर रात ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया, वहीं सुबह ओस और कोहरे के कारण जनजीवन ठप नजर आया। दोपहर तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने से कामकाज प्रभावित हुआ। शीतलहर के प्रकोप के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से चल रही बर्फबारी का असर अब थार के मरुस्थल तक पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 2 दिनों से उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में है, वहीं थार नगरी में शनिवार रात शीतलहर ने दस्तक दी। आधी रात के बाद तेज गति से हवाएं चलने का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं के कारण एकाएक ठंड बढ़ गई और लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा। रविवार सुबह धुंध और कोहरे के बीच 10 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हो सके। सुबह ओस पड़ने की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई। इस दौरान तेज हवाएं चलने से थार नगरी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह 9 बजे तक तो कर्फ्यू जैसे हालात रहे, इसके बाद इक्का दुक्का लोग ही बाहर निकले। सुबह 10 बजे हालांकि सूरज के दर्शन हो गए, लेकिन कोहरे के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे। दोपहर 12 बजे के बाद जनजीवन सामान्य हो पाया। इस दौरान दैनिक और बाजार के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर जहां लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया, तो कई लोग गर्म पकवान और पकौड़ों का आनंद लेते नजर आए। थार नगरी में शीतलहर के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार के मुकाबले रविवार को 1.5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। थार नगरी में रविवार को अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा और तापमान में और भी कमी होने की संभावना है।